हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस डोरी को बनाने के लिए मैंने 7 कलर की ऊन ली है। देखिए, कोई भी कलर ले सकते हैं, जो भी आपकी मैचिंग के, जहां भी आपको डोरी लगानी है। और देखिए, ये मैंने 15x15 का एक राउंड सर्कल लिया है, जिसको मैं अब देखिए मुझे इसे 8 भागों में डिवाइड करना है। ये सर्कल लेने के बाद, ये 15x15 का सर्कल है देखिए, और इसको मैं अब 8 भागों में डिवाइड कर लूँगी। देखिए इस तरह से मैंने इसे 8 भागों में डिवाइड कर लिया, और यहाँ पर मैं एक अपना होल बना लूँगी, और इस होल को मुझे यहाँ से ये एक यहाँ पे होल तैयार करना है, जिसमें से हमारी जो डोरी है निकल जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो होल है मैंने कर लिया है। देखिए, इसके बिल्कुल सेंटर में हमें होल करना है। और ये मैंने 7 कलर के धागे लिए हैं। जितनी भी आपको डोरी की लंबाई रखनी है, आप अपने हिसाब से धागे की लंबाई रख सकते हैं। मुझे तो बैग की बेल्ट बनानी है, वुलन बैग की बेल्ट बनानी है। तो आप देखिए, मैंने हर कलर के 3-3 धागे लिए हैं। देखिए, ये सारे 7 कलर हैं। हमें इस डोरी को बनाने के लिए 7 कलर की ज़रूरत है। तो अब जो ये डोरी का प्रोसीजर है, वो कुछ इस तरह से है कि ये जो ऊन है हमें इधर से पास करनी है। 7 कलर के धागे मैंने लिए, देखिए। ये यहाँ पे पीछे लाके, पीछे की साइड लाके इधर से 7 के साथों, और यहाँ पे हम एक नॉट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हम नॉट लगा लेंगे, और इन धागों को हम यहाँ निकालेंगे। देखिए, अब हमें अपने यहाँ तक इनमें कट का निशान लगाना है। ये जो ये वाले जितने भी हमारे ये पार्ट हैं, यहाँ तक हम कट का निशान लगा लेंगे, इसमें यहाँ से यहाँ तक। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सब में 1-1 इंच का, 1.5-1.5 इंच का कट का निशान लगा लिया है। और सब धागों को अलग अलग, जैसे मैंने 3-3 लेयर ली हैं, तो मैं इसमें सबको सेट कर दूँगी। ये देखिए, इस तरह से सभी को हम सेट कर देंगे ऐसे। सभी को सेट कर देंगे, जो भी कलर करने हैं वो एक जैसे ही सेट करने हैं। ठीक है, 7 कलर हैं हमारे पास। और साथ ही हमने कट लगा लिए हैं। इस तरह से देखिए, अब हमारे पास ये देखिए 7 कलर हमारे सेट हो चुके हैं, और अब हमारे पास एक ही जगह खाली है। देखिए, इसका बहुत ही आसान तरीका है समझने का, एक ही बार आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है इसको। देखिए, ये जो ये खाली वाली जगह है, इसका तीसरा देखना है हमें, 1, 2 और 3। तीसरे को यहाँ से निकाल देना है हमें, निकाल के और इसमें सेट करना है। ये हो गया हमारा। उसके बाद में देखिए, इसको हम यहाँ से चले घूम जाएंगे। अब हमारा खाली यहाँ पे हो गया, ये वाला खाली हो गया। तो अब हमें यहाँ से तीसरा देखना है। ये देखिए, इस तरह से इसे निकालेंगे यहाँ से, और इसे यहाँ पे सेट करेंगे। कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल है। देखिए, अब ये हमारा यहाँ से खाली हो गया, तो अब हम यहाँ से तीसरा देखेंगे, 1, 2 और 3। इधर से निकाल लेंगे इसको, और अपना यहाँ पे इसको सेट कर देंगे। देखिए इस तरह से। अब देखिए, हमारे ये वाला खाली है, तो जहाँ पे हमारा खाली जगह आ रही है, उसके पास जो 3 है, 1, 2 और 3, यहाँ से हम निकाल लेंगे, और इसको हम यहाँ से ऐसे सेट कर देंगे। फिर यहाँ पे अब हमारा ये वाला खाली जगह आ गई, अब हम यहाँ से तीसरा निकाल लेंगे,
इधर सेट कर देंगे। इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल एकदम, इसे बिल्कुल बच्चे भी आराम से बना सकते हैं। ये देखिए जहाँ पे भी हमारी खाली आ जाती है जगह, वहीं पे हमें इसे सेट करना होता है। देखिए हमें अपना जो ये सर्कल है वो घुमा के वहीं लेके जाना है जहाँ पे हमारा एक खाली है, क्योंकि हमें वहीं से अपनी काउंटिंग करनी है कि हमारा तीसरा कौन सा। देखिए इस तरह से फिर हम घुमा लेंगे इसे और यहाँ से निकाल के अपने इधर सेट कर देंगे। देखिए फिर ये हमारा खाली आ गया, फिर इधर से ये निकाल लेंगे। देखिए जिधर भी आपका खाली आ जाए उसी से आपको तीसरे का अंदाज़ा लगाना है। ये देखिए ये खाली है तो यहाँ से हमारा ये वाला तीसरा आ जाएगा, ये अपने आप ही नीचे कोट बनती चली जाएगी। देखिए इस तरह से, और आपको ये अपने धागे जो हैं ये ठीक कर लेने हैं, क्योंकि ये धागे जो हैं थोड़ा अटक जाते हैं जब ये घुमाते हैं, तो एक एक धागा आपको करना है। देखिए अब ये वाली जगह है तो ये हमारे तीन है, एक दो तीन, तो ये तीसरे वाले को हमें यहाँ पे लेके आना है और हमारी ये कोट नीचे निकलनी शुरू हो जाएगी। धागों को आप अपना सेट करते रहें। देखिए ये निकाल लेंगे यहाँ से, यही हमारा तीसरा है पिंक वाला, इसे निकालेंगे और इसे यहाँ पे सेट कर देंगे। फिर अब हमारा ये मैरून वाला, एक दो तीन, इसमें ये बहुत ही आसान है। एक बार हम इसे में बच्चों को भी लगा देंगे तो बच्चे भी आराम से बना देंगे इसको। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से करते करते हमारी जो नीचे ये डोरी है निकलनी शुरू हो गई है। देखिए आप देख सकते हैं जितने भी सुंदर सुंदर आप कलर लगाएंगे उतनी ही सुंदर आपकी डोरी बनकर तैयार होगी, और बहुत ही आसान है इसे बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि देखिए ये आपका खाली है, हमने आठ निशान लगाए थे, आठ भागों में डिवाइड किया था, और साथ में हमने ऊन लपेटी है और एक हमारा खाली है। अब हमें सिर्फ ये देखना है एक दो और तीन, और तीसरे वाले को आपने ला के यहाँ पर सेट करना है खाली जगह में। फिर से आप अपना आगे बढ़ेंगे और ये खाली जगह छोड़ देंगे और यहाँ से आपको तीसरा लेके आना है। देखिए आप इसी तरह इसे बनाते चले जाएंगे और आपकी ये डोरी बहुत ही सुंदर बनकर तैयार होगी, बहुत प्यारी डोरी बनेगी। देखिए जहाँ भी आपका जिस टाइम पे खाली आता है वहीं से आपको तीसरा धागा निकालना है। देखिए मैंने यहाँ से इसको यहाँ पे सेट कर दिया। देखिए अब मुझे ये देखना है कि जहाँ पे मेरा खाली जगह है वहाँ से मेरा तीसरा नंबर कौन सा आएगा। देखिए बहुत आसान है इसे बनाना और बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये। देखिए इसी तरह से आपको ये जो सर्कल है ये थोड़े अच्छे मतलब टाइट वाला जो गत्ता है उसका लेना है। देखिए इस तरह से तीसरा धागा हम यहाँ लेके आएंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारा जो ये सर्कल है बनकर निकल रहा है। ये डोरी हमारी कैसी लगी आज मेरी वीडियो, और कैसा लगा डोरी बनाने का तरीका फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं किसी नए और अच्छे प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।